हेलो एवरीवन, आप सभी का हलचल इन बॉलीवुड चैनल पर स्वागत है। अभी मेट गाला बहुत ही चर्चा में है और प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के भी ड्रेस को आपने देखा होगा, कॉस्ट्यूम को आपने देखा होगा। आप उसे देखकर ये सोचते होंगे कि इस मेट गाला आखिर क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें सेलिब्रिटीज जो हैं ये इतने अजीबोगरीब कपड़े पहनकर क्यों आते हैं। दरअसल मेट गाला जो है इसे 1948 में शुरू किया गया था और यह जो है ये मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट गाला का जो निक नेम है ये इसी म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के फंड रेजिंग के लिए इसे शुरू किया गया था, ताकि यह इंस्टीट्यूट जो है या इसका जो फैशन डिपार्टमेंट है वह कपड़े डिज़ाइन कर सके और उसे प्रदर्शनी में दिखा सके। तो ये उनके बेनिफिट्स के लिए इसको शुरू किया गया था। यह मेट गाला जो है हर साल मई महीने के पहले सोमवार को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें जो है म्यूजिक, फैशन और इंटरटेनमेंट की मशहूर हस्तियाँ पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हें इनवाइट किया जाता है। तो इसलिए इस साल आपने इसमें ईशा अंबानी को भी शिरकत करते हुए देखा होगा, कि जबकि आप जानते हैं कि वो ना तो किसी फैशन इंडस्ट्री से है, ना ही किसी म्यूजिक इंडस्ट्री से और ना ही फिल्म इंडस्ट्री से। यहाँ पर अजीबोगरीब कपड़े पहनकर सेलिब्रिटीज़ क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे हर साल जो है एक थीम डिसाइड किया जाता है। वह थीम कभी पास्ट के फैशन पे बेस्ड होता है, कभी प्रेजेंट के फैशन पे बेस्ड होता है, या कभी फ्यूचर के फैशन पे बेस्ड होता है। कई बार यह कई सिटी के फैशन पे भी बेस्ड होता है और उस फैशन के हिसाब से सेलिब्रिटीज यहाँ पर कपड़े पहन कर आते हैं। कपड़े जो होते हैं, जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उन्हें कई बड़े डिज़ाइनर जो हैं अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े ऑफ़र करते हैं ताकि वो उन्हें पहन कर जाएं। और जो बाकी जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो कई बार बहुत सारा पैसा उन डिज़ाइनर्स पे खर्च करके, उन डिज़ाइन किए हुए कपड़ों पे खर्च करके और उन्हें पहन कर आते हैं। तो ये जो है ये फैशन का एक अच्छा खासा प्रदर्शनी होता है यहाँ पर। अगर आप जानेंगे कि मेट गाला फ्री है तो ऐसा नहीं है। मेट गाला में एंट्री करने के लिए अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। मेट गाला जब शुरू हुआ था तो उस वक्त उसकी एंट्री फ़ी मात्र $50 थी, लेकिन आज ये जो है, आज जो इसकी एंट्री फ़ी है वो कम से कम $30 पर पर्सन या फिर $2,75,000 पर टेबल है। पहले आपने ध्यान दिया होगा कि मेट गाला के जो है वो रेड कारपेट की ही पिक्स आप देख पाते हैं, उसके अंदर जो है वो जो इवेंट ऑर्गेनाइज होता है उसकी पिक्स आप नहीं देख पाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो है रेड कारपेट तक ही फोटोग्राफी यहाँ अलाउड होती है, पार्टी के अंदर जो है वहाँ की फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है। क्योंकि ये जो म्यूजियम ऑफ आर्ट है, जो ये अपने जो डिज़ाइन किए हुए कपड़ों की प्रदर्शनी वहाँ पर दिखाता है और उसे पब्लिक होने से पहले वहाँ पे फोटोग्राफी वो अलाउड नहीं करता है। अब मेट गाला के अंदर लोग करते क्या हैं? तो मेट गाला एक डिनर पार्टी है, एक तरह से आप कह लें ये एक डिनर पार्टी है, जहाँ पे फैशन, डिनर, म्यूज़िक इन सब का कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर, और सेलिब्रिटीज यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय करते हैं। पहले मेट गाला में फ़ोटोग्राफी इनसाइड अलाउड नहीं था, लेकिन 2015 के बाद जो है बहुत सारे सेलिब्रिटीज बाथरूम में जाकर या फिर कैमरे से अपनी सेल्फी लेकर के फ़ोटो पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगे हैं। तो अब आप कभी कई बार आप अंदर के सेल्फीज़ वगैरह भी देख पाते हैं सोशल मीडिया पे। चलिए, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।